आए चलते हैं एक सफर पर जहां हम अपने अजीज मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अहम मौजूआत सिविल और अस्करी अदारों और रियासत के बारे में जानेंगे। नाम है जिसका पाकिस्तान पीडिया। आज की पाकिस्तान पीडिया की एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के नए और जदीद J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में जो कि हाल ही में चाइना से खरीदे गए। J-10C जिसको विगरस ड्रैगन भी कहा जाता है, एक मीडियम वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये मेनली एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसे स्ट्राइक मिशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला J-10 एयरक्राफ्ट 1997 में बनाया गया था, जबकि ये 2006 से बाकायदा इस्तेमाल में लाया गया। इस एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरर चाइना का चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप है और इसका डिजाइन चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के प्रपोजल की बुनियाद पर बनाया गया है। इसमें शेनयांग WS-10 इंजन इस्तेमाल किया गया है। इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स के रूल्स लागू किए गए हैं ताकि ये सबसे मौसर एयरक्राफ्ट बन सके। J-10C की लंबाई नोज डाइव से टेल तक 15.49 मीटर है। जमीन से बुलंद तरीन पॉइंट तक इसकी ऊंचाई 5.7 मीटर है और विंग्स पैन 9.8 मीटर है। इस एयरक्राफ्ट का खाली वजन 9,750 किलोग्राम जबकि इसके इंटरनल फ्यूल का वेट 14,000 किलोग्राम है। इसका ज्यादा से ज्यादा टेक ऑफ वेट 19,277 किलोग्राम है। J-10C की स्टॉल स्पीड 200 किलोमीटर पर आर और टॉप स्पीड 2,327 किलोमीटर पर आर है। इस एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज 1240 से 2600 किलोमीटर और फेरी रेंज 2950 किलोमीटर है। J-10C का एयरफ्रेम मुख्तलिफ मेटल अलॉयज और नॉन रिफ्लेक्टिव कॉम्पोजिट मटेरियल से बनाया गया है जो इसे आला ताकत और कम वजन की खसूसियत मुहैया करते हैं, जिसकी वजह से ये रेडार पर नजर नहीं आता। एयरक्राफ्ट का साख्त वोरप्लेन टेल लेस डेल्टा विंग और एक स्वेप्ट बैक वर्टिकल टेल पर मबनी है। हॉरिजॉन्टल क्लोज कपल्ड वोरप्लेन जो कि फॉरवर्ड फ्यूसलाज पर टेक ऑफ और कम रफ्तार से हैंडलिंग की खसूसियत को बेहतर बनाते हैं। इस एयरक्राफ्ट का कॉकपिट दो हिस्सों पर मबनी बबल कनोपी से कवर्ड है, जिससे पायलट आसानी से 360 डिग्रीज के मंजर देख सकता है। इसमें मौजूद जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी स्टिक कंट्रोल पायलट की एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ सिमत में उड़ाने में मदद करता है। इसके अलावा फ्लाई बाय वेयर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पायलट के कंट्रोल इनपुट्स को मॉनिटर करता है और कंप्यूटराइज्ड एड फराहम करता है। एवियोनिक सिस्टम में 3 LCD मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और होलोग्राफिक हेडअप डिस्प्ले सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कम्युनिकेशन, नेविगेशन, एक से ज्यादा सिस्टम का डिस्प्ले और इंतजाम चलाने में मदद करता है। ब्लू स्काई नेविगेशन पर मबनी एवियोनिक्स इस एयरक्राफ्ट को दिन रात और हर मौसम में पाल रखते हैं। J-10 एयरक्राफ्ट AESA यानी के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार सिस्टम से लेस है जो इसे बेहतर रेजोल्यूशन, ज्यादा डिस्क्रीशन फराहम करता है और ये एयरक्राफ्ट एक टाइम पर 10 अहदाफ को ट्रैक कर सकता है। J-10C की वेपनरी में एक गन, 90 mm अनगाइडेड रॉकेट पॉड्स और मिसाइल शामिल हैं। इन मिसाइल्स में एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे कि PL-8 और PL-10 और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जिसमें KD-88 शामिल हैं। इसके अलावा लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, ग्लाइड बॉम्ब्स, सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स, एंटी शिप जिसमें YJ-91A
और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स YJ-91 शामिल हैं। FT-1 और अनगाइडेड बॉम्ब्स जिनका वजन 250 से 500 किलोग्राम है इस एयरक्राफ्ट के वेपनरी का हिस्सा है। इस वेपनरी को बैरूनी तौर पे 11 हार्ड पॉइंट्स पर नसब किया गया है और इनका कुल वजन 5600 किलोग्राम है। तो ये था J-10C एयरक्राफ्ट और उसके कुछ अहम खसूसियात। आगे आने वाली एपिसोड्स में हम ऐसे बहुत से दिलचस्प मौजूदात पे बात करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद ब्राइन टू।